हेलो गाइस, आई एम सलोनी। वेलकम टू माय चैनल सलोनी स्वैग। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 5 वे टू यूज पतंजलि एलोवेरा जेल। पतंजलि एलोवेरा जेल हमारे स्किन केयर के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल एंड इम्पोर्टेंट रेमेडी है। सो इफ यू गाइस वांट टू नो हाउ आई यूज पतंजलि एलोवेरा जेल इन माय डे टू डे लाइफ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हो अभी मेरे फेस पे पिंपल्स है, तो मैं इस पे अपना एलोवेरा जेल अप्लाई करूंगी। तो मुझे करना क्या है कि मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने फिंगर टिप पे लूंगी और इसको ऐसे अपने पिंपल्स पे अप्लाई कर लूंगी और इसको ओवरनाइट मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, फिर सुबह फेस वॉश कर लूंगी। ट्रस्ट मी गाइज, इससे आपका पिंपल्स बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा और आपके स्पॉट्स भी बहुत जल्दी रिमूव हो जाएंगे। एलोवेरा जेल का सेकंड यूज ये है कि इसको हम अपने नाइट क्रीम के साथ अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरा नाइट क्रीम है और अब इसमें मैं अपना एलोवेरा जेल मिक्स करूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करके और अपने फेस पे इससे मसाज करूंगी फॉर 5 मिनट्स। आप अपना कोई भी नाइट क्रीम यूज कर रहे हो उसके साथ भी एलोवेरा जेल को मिक्स करके अपने फेस पे सोने से पहले अपने फेस पे अच्छे से मसाज कर ले और सुबह नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर। इससे हमारा फेस बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग और ब्यूटीफुल लगेगा। एलोवेरा जेल के थर्ड यूज में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू रिमूव योर सन टैन इजिली। तो करना क्या है आपको, 1 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून टर्मरिक और 1 टेबलस्पून दही लेना है। उसमें 2 या 3 ड्रॉप एलोवेरा जेल के डालने हैं आपको और उसको एक पेस्ट बना के अपने फेस पे अप्लाई करना है। आफ्टर 30 मिनट्स आपको अपना फेस वॉश कर लेना है एंड इसके बाद आप गाइज देखोगे की आपका सन टैन जितना भी है वो रिमूव हो जाएगा और आपकी स्किन काफी ज्यादा ग्लोइंग और ब्यूटीफुल लगेगी। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको दिखा दूंगी। एलोवेरा जेल के फोर्थ यूज में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू यूज एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर। आप एलोवेरा जेल को एज अ प्राइमर भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं फाउंडेशन लगाने से पहले अपने फेस पे एलोवेरा जेल अप्लाई करूंगी। एज यू कैन सी आई अप्लाई एलोवेरा जेल ऑन माई फेस जेंटली। इससे हमारे मेकअप को बहुत अच्छा बेस मिलता है और हमारा मेकअप भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ये प्राइमर का बहुत ही ज्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल रिप्लेसमेंट है। अब मैं अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी ये कितनी अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी तरह से मेरे फेस पे ब्लेंड हो रहा है। तो एज अ प्राइमर आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हो। आपने बहुत लोगों से सुना होगा आप एलोवेरा जेल को एज अ प्राइमर अप्लाई कर सकते हो, तो यस मैं भी अप्लाई करती हूँ एलोवेरा जेल को एज अ प्राइमर। ये बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट है प्राइमर का। तो एलोवेरा जेल के फिफ्थ यूज में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू यूज एलोवेरा जेल एज अ स्क्रब। तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने हाथ पे ऐसे लूंगी और इस पे 1 पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें मिक्स करूंगी। इसको सॉल्ट इस स्क्रब के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो ये दोनों को मिक्स करके मैं अपने फेस पे इससे स्क्रब करूंगी। इससे हमारे जितने भी ब्लैक हेड्स हैं और व्हाइट हेड्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। इससे आपको स्क्रब करना है जेंटली। Thank you.
जहाँ भी आपके ब्लैक हेड्स हैं या व्हाइट हेड्स हैं वहाँ पे आप इसको अप्लाई करें और स्क्रब करें इससे, ऐसे इसको 15 मिनट तक अपने फेस पे स्क्रब करें अच्छे से, और उसके बाद अपना फेस आप वॉश कर सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे 2 या 3 यूज में आपका ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स जितना भी है वो सारा रिमूव हो जाएगा और आपका फेस बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग और ब्यूटीफुल दिखेगा। तो गाइस 15 मिनट हो चुका है, अब मैं अपने फेस को वॉश कर लूंगी। देख सकते हो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।